हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आरआरबी के जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो स्टार्ट कर दें, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 81 है, बाकी जो क्वेश्चन है हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके, नर्सेज अब चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हैं। 81 है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए इंजेशन, बी प्रोपल्सन, सी डाइजेशन एंड डी एलिमिनेशन। राइट आंसर इज ए इंजेशन। नेक्स्ट है 82, ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए सीपीयू, बी कंप्लायर, सी सिमुलेटर एंड डी इंटरप्रेटर। राइट आंसर इज डी इंटरप्रेटर। नेक्स्ट 83, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ए वॉयलेट, बी ब्लू, सी रेड एंड डी ग्रीन। राइट आंसर इज सी रेड। नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क, आदमी और जो गाय का जो दूध है उनके अंदर क्या डिफरेंट है, ए प्रोटीन एंड फैट, बी प्रोटीन एंड शुगर एंड सी प्रोटीन एंड लैक्टोज एंड डी मिनरल्स। राइट आंसर है सी प्रोटीन एंड लैक्टोज का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में होता है, बाकी सब सिमिलर होते हैं। 85 है, After menopause in women, the chances of her developing osteoporosis increase because of decrease in estrogen level, B increase in estrogen level and C decrease in luteinizing hormone level and decrease in follicular stimulating hormone level. Right answer is A decrease in estrogen level. Menopause के बाद में जो osteoporosis की condition है वो increase हो जाते हैं, वो chances बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड ए पी आर आई एल इज रिटन एज बी क्यू एस जे एम, व्हाट इज द वर्ड वूज कोड इज एच एस एफ एफ ओ। तो मतलब जो ये कोड है ये किसका है जो ये बन के तैयार हुआ है, तभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ए का हो गया बी, पी का हो गया क्यू, आर का हो गया एस और आई का हो गया जे और एल का हो गया एम। तो मतलब एक एक इसके अंदर नेक्स्ट दिया हुआ है इन दोनों के अंदर। तो ये जो कोड है ये किसका होगा, इसमें जो नेक्स्ट नहीं होगा इसमें इसका पहला वाला होगा क्योंकि ये ऑलरेडी उसका कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो अभी अपन देख लेते हैं इसके अंदर, तो जी के बाद आता है एच, एच से पहले आता है क्या जी, तो सबसे जो अपना पहला होगा वो होता हो जाएगा जी, एच से पहले हो गया जी। एच से पहले आता है आर और एफ से पहले आता है ई, फिर एफ से पहले आता है ई और ओ से पहले आता है एम एन ओ एन। तो ये हो गया अपना जो इससे इसका जो कोड है, इसका कोड ये दिया हुआ है। तो ये अपने पास है ग्रीन, जी आर ई ई और एन, ग्रीन का कोड हो गया एच एस एफ एफ ओ। तो राइट आंसर अपने पास हो गया इसमें डी। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग टर्म पी ए आर टी अनुपाटी आर ए पी समानुपात पी ओ टी एस, नेक्स्ट है वो क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, पी दिया हुआ है इधर, ए दिया है इसके बाद, आर है इसके बाद, टी है स्टार्टिंग में। तो अपन करते हैं सबसे पहले हो जाएगा एस, एस हो जाएगा लास्ट का, एस स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा पी। तो ये अपने पास आ जाएगा एस टी ओ पी, एस टी ओ पी है इसके अंदर, ऑप्शन है डी, डी है इसमें,
STOP, ऑप्शन सी, सी के अंदर राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, ओनली डोपामाइन, बी ओनली नोरएपिनेफ्रिन, सी ओनली एसिटाइल कोलिन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर डी ऑल ऑफ द अबोव है, जो डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन है, नोरएपिनेफ्रिन है, इसमें तीनों है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी। ऑप्शन ए सर्जरी बिकम इजियर, बी सर्जरी बिकम मोर सक्सेसफुल, सी साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू द पेशेंट एंड डी साइनोसिस इज चेक। राइट आंसर है इसमें डी, साइनोसिस चेक करने के लिए नेल बड से साइनोसिस चेक किया जाता है, इसलिए अगर वहाँ पर नेल पॉलिश होगी तो साइनोसिस चेक नहीं हो पाएगा इजीली, इसलिए वहाँ से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एन इंट्रायूटराइन डिवाइस, ए वेजाइनल ब्लीडिंग, बी पेल्विक इंटरमेट्रेट डिजीज, सी यूटराइन परफोरेशन एंड डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। राइट आंसर इज बी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID। नेक्स्ट है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप्स एंड डी नोटबुक PCs। राइट आंसर है बी सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट है थ्री मैन एंड फाइव वुमेन कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल सिक्स मैन एंड फाइव वुमेन वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब। ये मैंने जो क्वेश्चन है वो पहले अपलोड कर दिया है, उसके बेसिस पे ही होगा, सेम उसी प्रकार से आप फॉर्मूला यूज करके देख लेना, अगर आपसे नहीं हो सोल्व तो मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। इसमें राइट आंसर है इसमें 4 डेज। 93 है, मोस्ट ड्रग हैव ए मोलिकुलर वेट बिटवीन ए 1 to 10, बी 10 to 100, सी 250 to 350 एंड डी ग्रेटर देन 500। राइट आंसर होगा इसमें सी 250 to 350। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू ए एलिमिनेट ऑक्सीजन, बी रेगुलेट फ्लूड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, सी मेटाबॉलिक मेटाबोलाइज विटामिन एंड डी एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज बी रेगुलेट फ्लूड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट सीजन आर फॉर्म बिकॉज ए सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, बी अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सी अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड डी नन ऑफ द अबोव। राइट आंसर इज बी अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 96, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुआर्ड द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न राइट एंड देन टुआर्ड द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करके और माइंड में कंसंट्रेट करके इसको सोल्व करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसके अंदर 96 के अंदर ए। कमेंट करके बताना कि आपका जो सोल्व हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है इसके अंदर, बराक ओबामा विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु पार्टिसिपेट इन इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2015। ये उस टाइम की करंट जीके थी, तो अभी अपने को करंट जीके है वो प्रेजेंट की करंट जीके आएगी, तो ये जीके नहीं आएगी। वैसे आप फिर भी इसको सोल्व कर सकते हो। राइट आंसर है 97 में है, जो है फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट था अमेरिका का जिसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया का रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2015 को। तो करंट की जो जीके है इसी बेसिस पे आप तैयारी करके जाना RRB के पेपर के लिए। ए सेलर गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर एंड 20 मिनट, द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टील वाटर इज, जो बहते हुए पानी के अंदर है 48 मिनट थी 12 किलोमीटर की, और उसके जस्ट अपोजिट रिवर्स साइड में था 1 घंटा 20 मिनट, जो स्थिर पानी है उसके अंदर उसकी स्पीड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एक्स हो जाएगा इसके अंदर 12
दोनों में है, इसमें जो सेम इसमें डिस्टेंस है, तो 12 + 12/2, तो 12 × 24/2 इज इक्वल टू 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति हवर। तो स्थिर जो जल है उसके अंदर इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 12 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर ये कवर कर देगा। और जो इसके अंदर ये चल रहा था, इसमें मतलब धारा की तरफ चल रहा था वो 48 मिनट के अंदर, धारा के विपरीत चल रहा था वो 1 घंटा 20 मिनट, और धारा के मतलब जो स्थान रहेगा उसमें ये करेगा 60 मिनट। नेक्स्ट है 99, द स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इज। फॉर्मूला अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, x प्लस वाई अपॉन टू, तो x इसमें हो जाएगा 12, y हो गया इसमें 8/2, तो ये हो गया 20/2 = 10, 10 किलोमीटर प्रति हवर ये हो गया स्टील वाटर की इसकी स्पीड। अभी इसमें बता रहा है कि ये 24 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर उसकी स्पीड हो गई और वो चल रहा है 24 किलोमीटर, तो एक 1 आवर के अंदर 10, नेक्स्ट के अंदर फिर 10, तो 20 किलोमीटर के लिए उसने 2 घंटे कवर कर लिए, और बाकी जो बचा है उसमें 4 किलोमीटर, तो एक 10 किलोमीटर के लिए 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर के लिए उसके पास 6 मिनट, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई, हाउ इज द एक्स रिलेटेड टू वाई। ए सन, बी ब्रदर, सी कजन एंड डी ग्रांड सन। एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई, तो वाई क्या हो गया इसका, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन। तो मतलब अभी इसको सोल्व करते हैं, जैसे एक्स एक्स तो हो गया भाई, किसका, वाई के बेटे का बेटा सन, और उसका भी सन, तो ये क्या हो गया इसका ग्रांड सन। हाउ टू एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ये हो गया ग्रांड सन, तो ग्रांड सन है इसके अंदर डी, ऑप्शन डी हो गया ग्रांड सन, तो राइट आंसर हो गया इसमें डी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा पेपर जो अपन ने सोल्व कर लिया, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यार आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो दबा के लाइक कर देना, क्योंकि हम आगे ही ऐसे ही वीडियो और लेके आते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।